गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग साइंस वर्क रेगुलरली. यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज एंड पार्ट बी क्वेश्चन आंसर. टुडे वी विल डू पार्ट ई क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फोर्स. इज इट नेसेसरी फॉर द टू बॉडीज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर अ फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन दैम? Explain with example. Firstly, we will define force. Force is a push or pull upon an object. Force is a push or pull resulting from its interaction with another object. Interaction means either attraction or repulsion. That means when we push or pull any object, then they will interact with each other. Is it necessary for two bodies to be in direct contact? No, it is not necessary. You can take example of gravitational force or magnetic force. As you know that in magnetic force there is interaction. Interaction means either attraction or repulsion. When we will take same pole, then they will repel each other, but opposite pole will attract each other. So in this case, both magnet are not in direct contact with each other, but force is acting on them, and this force is called magnetic force. Given क्या है बेटा, आपको force की definition पूछ रखी है. तो force क्या बताया, force में या तो हम किसी object को push करेंगे या फिर object को pull करेंगे. Push means अपने से दूर फेंकना and pull means अपने towards खींचना. तो नेक्स्ट पूछ रहा है, क्या दो बॉडीज़ का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है तभी फोर्स लगेगा? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल, जब मैग्नेट का आप लेके चल रहे हो तो मैग्नेट में दोनों मैग्नेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है. दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर हैं तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होगी. इंट्रैक्शन का मतलब या तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगी या फिर रिपेल करेंगी. वो डिपेंड करता है कि आप मैग्नेट के कौन से पोल लेके चल रहे हो. अगर आप सेम पोल लेके चलोगे देन सेम पोल विल रिपेल ईच अदर. सेकेंड है, स्टेट 3 इफेक्ट ऑफ फोर्स गिव सुटेबल एग्जाम्पल. यू ऑल आर फेमिलियर विद इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स कैन चेंज पोजिशन ऑफ द बॉडी. पोजिशन मीन्स इधर द ऑब्जेक्ट विल कम एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट विल मूव. सो देर विल बी चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी. एग्जाम्पल, वी कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, एंड वी कैन स्टॉप अ बॉडी बाय अप्लाइंग अप्लाइंग फोर्स. तो इसमें क्या कह रहा है कि फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल, आप बॉल का लेके चलो तो बॉल पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो स्टेशनरी जो बॉल रुकी हुई है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, और अगर आप फिर से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो बॉल को आप स्टॉप भी कर सकते हो. तो पोजिशन में चेंज हुआ. सेकेंड इज, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. शेप एंड साइज मीन्स फॉर एग्जाम्पल, वी कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून by gently pressing between our palms. आप कोई बलून है, बलून के अंदर एयर फिल की हुई है, तो उसको जब अपने पाम्स में लोगे तो आप उसके साइज़ को और शेप को चेंज कर सकते हो by applying force. या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो लेमन का. When you squeeze lemon, then shape and size of lemon will change. स्क्वीज़ करते हो जब आप लेमन को लेमनेड बनाने के लिए, नींबू पानी बनाने के लिए, तो स्क्वीजिंग से क्या होगा, आपने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स से ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट इज, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू किक अ बॉल, आप किसी बॉल को किक करते हो तो आप क्या करोगे, इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो. मतलब आपने किसी एंगल पे जब बॉल को किक किया तो आपने क्या किया, फोर्स के साथ साथ आपने फोर्स अप्लाई करने से बॉल मूव भी करेगी और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज होगा. तो फोर्स के 3 इफेक्ट बताए आपने. फोर्स कैन चेंज पोजिशन, शेप एंड साइज, एंड चेंज डायरेक्शन. नेक्स्ट इज, गिव रीज़न. दीज ऑल रीज़न आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट इज, स्नो शूज आर मोर इफेक्टिव देन ऑर्डनरी शूज फॉर वॉकिंग ऑन स्नो. कभी आप किसी माउंटेन रीजन में गए हो तो वहाँ देखा होगा स्नो शूज़ का यूज़ किया जाता है. स्नो शूज़ का साइज़ कैसा होता है, लार्ज. सरफेस एरिया लार्ज होगा तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, स्मॉल होगा. प्रेशर स्मॉल होने की वजह से जो शूज़ हैं वो सिंक नहीं करेंगे, एंड वी कैन ईजिली वॉक ऑन स्नो. जितने भी माउंटेन रीजन है, स्नोफॉल के टाइम पे वो लोग क्या करते हैं,
स्नो शूज़ का यूज़ करेंगे. वाई? बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ स्नो शूज़ आर लार्ज. एज यू नो दैट इफ एरिया इज लार्ज देन प्रेशर विल बी स्मॉल, बिकॉज प्रेशर एंड एरिया बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो इन दिस केस सरफेस एरिया इज मोर, सो प्रेशर विल बी लेस. इफ प्रेशर विल बी लेस देन स्नो शूज विल सिंक लेस इन द स्नो. शूज़ क्या होंगे? स्नो के अंदर कम सिंक करेंगे. सिंक नहीं करेंगे तो ईजिली आप स्नो पर वॉक कर सकते हो. दीज ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन एरिया एंड प्रेशर. इफ एरिया इज स्मॉल देन प्रेशर विल बी लार्ज, और इफ एरिया इज लार्ज देन प्रेशर विल बी स्मॉल. सेकेंड इज पोर्टर प्लेस अ लार्ज राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देअर हेड वन दे कैरी हैवी लोड्स. पोर्टर क्या करता है? जब अपने हेड पर कुछ हैवी लोड्स रखता है तो उससे पहले एक क्लॉथ को राउंड बना करके अपने हेड पे रखता है. वो क्लॉथ का राउंड बना करके क्यों रखता है? बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो पोर्ट का अर्थन पोर्ट का प्रेशर है वो कम लगेगा उसके हेड पे. ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं पोर्टर, अब अर्थन पोर्ट को रखने से पहले अपने हेड पर एक क्लॉथ का पीस रखते हैं. क्लॉथ के पीस क्या करेगा? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सो प्रेशर विल बी डिक्रीजेस. देखो इसमें क्या गिवन है, पोर्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, वेट स्प्रेड हो जाएगा. एरिया इंक्रीज हुआ तो देयर विल बी लेस प्रेशर ऑन देयर हेड्स. नेक्स्ट है अ शार्प नाइफ कट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मोर इफेक्टिवली देन अ ब्लंट नाइफ. शार्प नाइफ से वेजिटेबल को कट करना ईजी है देन अ ब्लंट नाइफ. ब्लंट मीन्स जो शार्प नहीं है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है. ब्लंट आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे जिससे आप बटर या जैम लगाते हो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होगा. तो शार्प नाइफ का सरफेस एरिया लेस होगा. शार्प नाइफ हैज़ लेस सरफेस एरिया देन अ ब्लंट नाइफ. सो इफ सरफेस एरिया ऑफ शार्प नाइफ इज लेस देन इट्स प्रेशर विल बी मोर. सो इट विल अप्लाई मोर प्रेशर, सो इट विल बी ईजी टू कट वेजिटेबल एंड फ्रूट विद अ शार्प नाइफ. शार्प नाइफ से फ्रूट और वेजिटेबल को कट करना ईजी है. क्यों ईजी है बेटा? क्योंकि शार्प नाइफ का सरफेस एरिया स्मॉल होगा और प्रेशर ज़्यादा लगाएगा. नेक्स्ट इज स्कूल बैग्स प्रोवाइडिंग विद वाइड स्ट्रैप्स टू कैरी देम. आप जो स्कूल बैग लेते हो बेटा, उनके स्ट्रैप्स कैसे होने चाहिए? वाइड. रीज़न, वाइड स्ट्रैप्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया. वाइड मीन्स लार्ज होगा एरिया. इफ एरिया इज लार्ज देन प्रेशर विल बी स्मॉल, एंड प्रेशर विल बी स्मॉल सो यू कैन ईजिली कैरी योर स्कूल बैग ऑन योर शोल्डर्स. इट इज़ क्लियर टू यू? मतलब सभी क्वेश्चन जो हैं वो एरिया और प्रेशर पर डिपेंड कर रहे हैं. नेक्स्ट है इट इज़ मच ईजियर टू बर्स्ट एन इन्फ्लेटेड बलून विद अ नीडल देन विद फिंगर्स. करके देखना कभी आप जब बलून को बर्स्ट करना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो आप बलून को, तो नीडल से बर्स्ट करना ईजी होगा देन फिंगर. फिंगर्स की बजाय नीडल से उसको बर्स्ट करना ईजी है. रीज़न, बिकॉज नीडल हैज़ स्मॉल सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ नीडल इज स्मॉल सो इट विल अप्लाई मोर प्रेशर. सो प्रेशर एग्जर्टेड विल बी मोर बाय द नीडल टिप देन द फिंगर. फिंगर की बजाय नीडल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ईजिली हम बलून को बर्स्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज माउंटेनियस में डिफर फ्रॉम सफर आएगा बेटा यहाँ पे. माउंटेनियंस में लुक हियर, यहाँ सफ़र होगा. माउंटेनियंस मे सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स. रीज़न क्या बताओगे? एट हाई एल्टीट्यूड्स मीन्स हाइट पे जब आप जाते हो तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीजेस. यू ऑल नो दैट एट हाइट प्रेशर डिक्रीजेस एंड एट डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस. सो यू आर मूविंग एट हाइट सो प्रेशर विल डिक्रीजेस. हैंस ब्रीथिंग में बिकम्स डिफिकल्ट एंड नोज ब्लीडिंग में अक्कर. ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाएगी. ब्रीदिंग डिफिकल्ट होगी तो आपकी नोज में से ब्लीडिंग आ सकती है. बिकॉज एट हाइट ऑक्सीजन लेवल विल डिक्रीजेज. हाइट पे जाओगे तो एक तो प्रेशर कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो इसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी आपको और नोज में से ब्लीडिंग हो सकती है. नेक्स्ट इज एयरप्लेन्स हैव प्रेशराइज्ड कैबिन्स टू पैसेंजर सेफ्टी व्हाइल फ्लाइंग हाई इन द एटमोसफियर.
एटमॉस्फेयर में जब एयरप्लेन्स मूव करते हैं तो वहाँ के प्रेशर को बैलेंस किया जाता है। प्रेशर को बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप हाइट पर जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए जो आपकी कैबिन के अंदर, मतलब आप जो एरोप्लेन में मूव कर रहे हो, उसका इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर बैलेंस रहे, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम प्रेशर को बैलेंस करेंगे, कैबिन्स को प्रेशराइज किया जाता है। बिकॉज एयर प्रेशर इन दीज इंक्रीज टू अ सफिशियंट वैल्यू दैट सेफ गार्ड्स द पैसेंजर्स एंड द क्रू। क्रू मीन्स जो उसको हैंडल कर रहा है, जो एरोप्लेन को हैंडल कर रहा है उसको, एंड जो पैसेंजर्स हैं उनका प्रेशर बैलेंस रहे। क्योंकि आपको पता है कि हाइट पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और उसके अंदर एरोप्लेन के अंदर प्रेशर डिफरेंट होगा, तो दोनों के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एयर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है। कहाँ पर? एरोप्लेन में। क्लियर हुआ? एरोप्लेन में प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं टू अ सफिशियंट वैल्यू दैट सेफ गार्ड्स द पैसेंजर्स एंड क्रू, ताकि वो सेफ रहें। किस कौन? पैसेंजर्स एंड क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक्टिविटी एग्जाम में ज़रूर आती है बेटा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। टू रोड्स ए एंड बी ऑफ द सेम वेट एंड इक्वल लेंथ हैव डिफरेंट थिकनेस। अ बॉय व्हाइल प्लेइंग विद देम ऑन अ बीच हेल्ड देम वर्टिकली ऑन द सर्फेस ऑफ सैंड एज शोन इन द फिगर। विच वन ऑफ देम विल सिंक लेस? एक्सप्लेन। रीड दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक बेटा। एज यू कैन सी वन पिक्चर इज गिवन टू यू इन बुक। देर आर टू रोड्स, रोड ए एंड रोड बी। एज यू कैन सी क्लियरली दैट एरिया ऑफ रोड ए इज स्मॉल एंड एरिया ऑफ रोड बी इज लार्ज। सो इफ एरिया ऑफ रोड बी इज लार्ज देन प्रेशर विल बी लेस। सो इफ प्रेशर इज लेस देन रोड बी विल सिंक लेस। आपको टू रोड्स गिवन है बेटा, रोड ए एंड बी, और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है फिगर में कि रोड ए का एरिया कम है एंड रोड बी का एरिया ज़्यादा है, क्योंकि रोड ए जो है वो थिन है और रोड भी थिक है। थिक होने का मतलब एरिया ज़्यादा होगा। इफ एरिया इज लार्ज देन प्रेशर विल बी लेस। कम प्रेशर लगाएगी वो, तो कम प्रेशर लगने की वजह से जो रोड बी है वो लेस सिंक करेगी। किसमें? सैंड में। बच्चा क्या कर रहा है? दोनों रोड को सैंड में लगाने की कोशिश कर रहा है। जो रोड बी है प्रेशर कम होने की वजह से वो कम सिंक करेगी, बिकॉज इट हैज़ मोर एरिया एंड लेस प्रेशर देन रोड ए। नेक्स्ट इज थ्री होल्स ए बी एंड सी आर मेड इन द एम्प्टी कैन एट डिफरेंट लेवल्स। क्या किया आपने? आपने कैन ली, मतलब एक बोतल ली, एम्प्टी बोतल, और एम्प्टी बोतल्स में आपने थ्री होल्स किए और उन होल्स को नेम दिया ए बी एंड सी। एज यू कैन सी इन योर बुक बेटा, थ्री होल्स ए बी एंड सी ऑन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर होल कर रखे हैं आपने। दे आर टेम्परेरली क्लोज विद एडहेसिव टेप। आपने क्या किया? सेलो टेप की हेल्प से उसको क्लोज कर दिया। द कैन इज नाउ फिल्ड विद वाटर। उसके बाद आपने सबसे पहले आपने होल किए, होल करने के बाद आपने टेप से उसको कवर कर दिया। देन यू आर फिलिंग वाटर इन द कैन। उसके बाद आपने क्या किया? इसमें वाटर फिल किया। वट विल यू ऑब्जर्व वैन द टेप इज पुल्ड आउट। जब आप टेप को रिमूव करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? थ्री होल्स गिवन थे ए बी एंड सी, तो ऑब्वियसली तीनों होल में से वाटर का फ्लो होगा, है ना? बट फ्लो ज़्यादा कहाँ से होगा? वी ऑब्जर्व दैट स्ट्रीम फ्रॉम लोअर होल्स ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस। जो लोअर एंड है, मतलब तीन आपको पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। जो पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आपको पता है कि जितनी ज़्यादा बॉटम में जाओगे, बॉटम में प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो स्ट्रीम का फ्लो ज़्यादा कहाँ से होगा? ए पॉइंट पर ज़्यादा होगा, बिकॉज ये बॉटम पे लाई कर रही है। और सी पॉइंट पर जो वाटर का फ्लो है वो कैसा होगा? कम होगा। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करके देखना बेटा, वेरी इजीली यू कैन डू दिस एक्टिविटी। आपको एक कैन, खाली बोतल लेनी है, उसके अंदर थ्री होल्स करनी है इक्वल डिस्टेंस पे, और उसके बाद आपने इसको सेलो टेप लगानी है। देन फिल वाटर इन इट, नाउ रिमूव द टेप, ऑब्जर्व योर, यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर फ्रॉम द बॉटम विल फ्लो मोर, दैट मीन्स इट विल कवर लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस क्यों कवर करेगा? क्योंकि ऑफ द सेम साइज एट इक्वल हाइट फ्रॉम द बॉटम इन अ प्लास्टिक बॉटल, कवर देम एंड फिल द बॉटल विद वाटर। दिस एक्टिविटी सेम लाइक फिफ्थ एक्टिविटी, बट इन फिफ्थ एक्टिविटी यू वर गिवन थ्री होल्स एट डिफरेंट प्लेसेज, बट इन दिस एक्टिविटी टू होल्स आर एट सेम हाइट एंड सेम साइज।
आपने जो दो होल्स करे, होल्स का साइज़ भी सेम है और दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, तब क्या ऑब्जर्व करोगे? दैट फ्लो ऑफ वाटर विल बी सेम फ्रॉम टू होल्स, बिकॉज वाटर विल अप्लाई प्रेशर, इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द साइड ऑफ कंटेनर, क्योंकि लिक्विड क्या कर रहा है, इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा सभी साइड पर. तो जब डिस्टेंस भी सेम है, हाइट भी सेम गिवन है आपको, होल्स का साइज भी सेम है, तो प्रेशर क्या होगा, इक्वल प्रेशर लगेगा. इक्वल प्रेशर लगने की वजह से वाटर का फ्लो दोनों साइड से सेम होगा. क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट इज डिस्कस इन ब्रीफ द वेरिएशंस ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड्स, मींस हाइट. जब आप हाइट पे जाते हो तो प्रेशर में क्या वेरी होगा, वेरिएशन मींस प्रेशर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा. डू चेंज इन द टेम्परेचर ऑल्सो कोज अ चेंज इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर. फिर आपको बताना है कि टेम्परेचर में अगर कुछ चेंज होता है तो क्या टेम्परेचर का प्रेशर पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा. एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जितना ज़्यादा आप हाइट पर जाओगे, यू ऑल नो दैट एट हाइट प्रेशर डिक्रीजेस. येस, चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो कोज अ चेंज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर में चेंज लाओगे तो प्रेशर में भी चेंज होगा. रीज़न, बिकॉज एज टेम्परेचर ऑफ एटमोसफेयर इंक्रीजेज. आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब गर्मी होना. गर्मी का मतलब एयर क्या हो जाएगी, हॉट, और हॉट एयर लाइटर होती है. लाइटर एयर मूव करेगी अपवर डायरेक्शन में, और लाइटर एयर जब अपवर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो प्रेशर जो है वो अर्थ सर्फेस के अराउंड कम हो जाएगा, और इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा. तो अब प्रेशर की मूवमेंट होगी कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो जब प्रेशर मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर, तो इसकी वजह से क्या आता है, थंडरस्टॉर्म. अगेन लिसन केयरफुली. फर्स्ट ही इज़ आस्किंग दैट एटमोस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट. यस, एटमोस्फेयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट. एज यू गो एट हाइट देन प्रेशर डिक्रीजेस. नेक्स्ट इज Does the change in the atmospheric pressure also cause a change in the change in temperature? Yes, change in temperature also cause a change in the atmospheric pressure, because as temperature of atmosphere increases, जैसे जैसे temperature increase होगा, then air becomes lighter. Why? Because air become hotter, and hotter air will move in upward directions. Air becomes lighter and it will move in upward direction. So there will be decrease in atmospheric pressure. So it is clear to you, when you will move at height, then there will pressure decreases, and when temperature is increases, then also atmospheric pressure decreases. So today your work is, you have to write and learn part E question answer and learn chapter 4 for the test. Okay beta, and have a nice day.